आप देख रहे हैं न्यूज 9:24। आइए शहर की 10 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, इसका मुख्य कारण क्या है? जी, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य कारण है मेरे भाई का केस से रिलेटेड, जो वार्ड नंबर यहाँ 66 के तृणमूल के काउंसिलर थे, उनका हत्या 24 अगस्त 2019 में उनके ठीक ससुराल के करीब में कर दिया गया था। और जो दो एक्यूज उसमें शामिल था, जिनके बारे में हम बार बार पुलिस से भी कहें कि इन लोगों ने मेरे भाई का हत्या का समय में बार बार जो मेन एक्यूज यहाँ पर कादिर से टिंकू से उसके घर पे आना जाना लगातार ये लोग कर रहे थे, और वही प्लानिंग के हिसाब से फिर मेरे भाई को मार दिया गया। जिस दिन मेरे भाई का हत्या हुआ उसी रात में 11:30 बजे में ये दोनों का मोबाइल अपना अपना बंद करके और यहाँ से लगभग 1.5 साल तक लापता था, एक महबूब अशरफ हुसैन और एक सोनू रयान उर्फ सिराज एमडी सिराज, दोनों हसनपुरा कुल्टी के हैं। इसके बाद आज 1.5 साल बाद लगभग आज फिर ये लोग देखा गया, जब कुल्टी पुलिस सरगर्मी से इनकी तलाश कर रही थी तो इनका छोटा भाई को अरेस्ट किया गया, पुलिस पूरा उसका घर का घेराव किया, लगातार बिहार झारखंड सब जगह छापेमारी भी किया गया, लेकिन ये दोनों पकड़ में नहीं आए पुलिस का। और 1.5 साल बाद जब हम देखे तो हम तुरंत लोकल थाना में इसका जानकारी दिए, कुल्टी ICU को जानकारी दिए और कमिश्नर साहब को DM साहब को चिट्ठी लिखे कि फिर से ये लोग कादिर का घर पे, जो मेरे भाई को मेन हथियारा है कादिर टिंकू, इसके घर पे एक्टिविटी पूरा तेज हो गया, मुंह में कपड़ा बांध बांध के बिहार झारखंड और ये लड़का लोग आके लगातार इसके घर के अंदर में मीटिंग हो रहा है, क्योंकि एक भाई अभी बंगाल से खारिज है और दो अभी आसनसोल में CGM कोर्ट में हाईकोर्ट का जमानत खारिज किया तो आसनसोल कोर्ट में है, एक भाई अभी तक पकड़ा नहीं गया, जो फिरोज इकबाल था वो भी पकड़ा नहीं गया। तो इस तरह से लगातार जो यहाँ पे आना जाना हो रहा, तो अब मेरा ऊपर ये लोग टारगेट किया है, क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे हैं चाहे बढ़ाकर या उल्टी कहीं भी जा रहे हैं तो हर जगह मेरा पीछा ऐसा लग रहा था मेरा पीछा किया जा रहा है, तो मेरा हत्या का ये लोग इस तरह से प्लानिंग किया जा रहा है। बड़ा बाबू को इन्फॉर्मेशन दिए कल तकरीबन 1:30 बजे कि ये लोग उसके घर में फिर से मीटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ से उत्तम कुमार साहब आपके यहाँ पे दो आदमी को उठा के यहाँ से ले गया भड़ाकर फाड़ी में, लेकिन बहुत अफसोस से ये बात कहा जा रहा है कि उन लोगों को तुरंत 10 मिनट भी नहीं बैठाया गया, तुरंत छोड़ दिया गया, मतलब ये भी जानना उनको जरूरी नहीं समझ में आया कि इतना बड़ा केस से रिलेटेड में ये लोग दोनों का हाथ है। आज मेरा प्रेस मीट करने का यही मकसद है कि मेरा भी जान को अब खतरा है, हम बाहर जा रहे हैं यार, इस केस का खालिद का केस का मुख्य गवाह हम है, सिर्फ अकेले हम हर जगह अपने भाई के केस के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमको कहीं भी राह नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरा भाई और केस को कोई उठा के अच्छा जगह में ले जाए और जितने भी आरोपी थे सब दुनिया के सामने आए। तो आज प्रेस और मीडिया के माध्यम से आज हम ये कहना चाह रहे हैं कि शायद मेरा भाई को CBI का केस को दिया जाए, ताकि जितने भी आरोपी थे वो मुख्य रूप से सामने आए और दुनिया देख पाए, और जितने भी लोग खालिद के लिए तड़प रहे हैं सब दुनिया देखना चाहते हैं कि खालिद का केस को क्यों दबाया जा रहा है, आखिर क्या ऐसा बात है कि आज बोलने पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा और अब मेरे पीछे सब पड़ गया। अभी तृणमूल का सरकार है, आपके पास तृणमूल करते थे, आप तृणमूल करते उसके बाद भी इंसाफ के लिए आपको इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बात कहना पड़ रहा, तो क्या लग रहा सरकार आपकी मदद नहीं कर रही है? जी देखिए, अफसोस तो है इस बात का कि मेरे भाई तृणमूल पार्टी के रूलिंग पार्टी के काउंसिलर थे हमारे वार्ड के, और आस पास के भी वार्ड वाले बहुत चाहता थे, लेकिन इतना बड़ा जो दुर्घटना हुआ है, इतना बड़ा जो हत्या किया गया है, दुर्घटना नहीं इनको हत्या कहेंगे, इतना बड़ा जो हत्या किया गया है रोड पे, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से जो पहले पुलिस था सब अभी तबादला हो गया, नया नया ऑफिसर आया गया, तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि केस कौन कहां से देख रहा है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं कर पा रहा। इस केस का इंसाफ के लिए आपने क्या यहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल किसी को चिट्ठी किया इसके पहले? जी हाँ, इससे पहले तो हम लोग जितना भी चिट्ठी करना था कमिश्नर ऑफिस में हम लोग
धरना दिए हैं, लेकिन कोरोना काल के लेके हम लोग जा नहीं पाए थे, लेकिन अब चाह रहे कि हम लोग जैसे भी हो मुख्यमंत्री तक जाके इस बात को अपना रखे हम लोग कि मेरे भाई का केस को देखा जाए और इसका उचित फैसला किया जाए। जितने भी लोग शामिल थे सबको सीबीआई के जांच में शामिल किया जाए और इसमें सबको सामने आए। तो इन लोगों का क्या कुछ मोबाइल का लोकेशन कहाँ का था, क्या कुछ ऐसा आप लोगों को मिला या पुलिस को खबर मिली है? जी देखिए, ये है महबूब। जिस दिन मेरे भाई जो खालिद खान काउंसिलर वार्ड नंबर 66 से काउंसिलर हैं, उनको जब मारा गया था तो 11:30 के बीच के वो टाइमिंग था। ठीक इनका मोबाइल 24 अगस्त 11:47 में ऑफ किया लास्ट सीन, जो डेढ़ साल बाद अभी खोला गया है। और देखिए स्विमिंग पूल में इन लोगों का रखा गया, बड़ा बड़ा होटल में रखा गया। ये सबूत है, प्रूफ है। देखिए ये सोनू रायन, इसका भी मोबाइल सेम टाइम में एक साथ ही बंद हुआ दोनों का। इसको 18 अगस्त 2019 मेरा भाई को खालिद खान को मारा गया है, 24 अगस्त 18 अगस्त को ये लोग होटल में था। देखिए 5 स्टार 3 स्टार बढ़िया होटल में इन लोग रखा गया था। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखिए, जो कातिल है, जो मेन एक्यूज्ड है, उसके साथ में ये दोनों अभी ये जेल में है। सादिक कादिर बेल में आया है और ये दोनों सोनू और महबूब, देखिए ट्रेन में बुक होके ठीक मेरे भाई का घटना से कुछ दिन पहले ये लोग कहीं बाहर सब गया हुआ था। उसके बाद ये देखिए एक मैसेज में चैट के द्वारा महबूब ये एक्सेप्ट करता है कि खालिद खान को हमने मारा है। एक मैसेज में देखिए खालिद भैया को मार के क्या मिला, महबूब, हाँ दुख तो हमें भी बहुत है पर क्या करें, प्लान बदलना पड़ा। मतलब मारने का साजिश अरमान को था, खालिद को मारने का ऑर्डर दिया गया। ये सब अगर इतना मेरे पास में सबूत है, प्रूफ है, अगर पुलिस चाहे तो कब्र से भी मुर्दा को उठा के निकाल लेता सबूत। इतना प्रूफ होने के बाद भी क्यों ने इन लोगों को एक्शन लिया जा रहा है? जब मेरा हत्या हो जाएगा उसके बाद एक्शन होगा? आज एडमिनिस्ट्रेशन पे हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें, किसके पास जाए मदद के लिए। आप देखिए इतना बड़ा सबूत मेरे पास में है।